राजनाथ सिंह जी, ये बताइए कि आप कहते हैं कि आप बीजेपी के सिर्फ अध्यक्ष हैं, पावर सेंटर नहीं है, तो आपको बीजेपी को चलाने में कठिनाई नहीं हो रही है क्या? तमाम और 17 जो है वो खड़े हुए हैं, रोज अखबारों में, मीडिया में ये परसेप्शन जा रहा है कि आपकी जो बात है उसको काट दी जा रही है। तमाम, अब जैसे मसलन अरुण जेटली और ये मुद्दे को ही देख लीजिए, जो सुधांशु मित्तल जी का मुद्दा हुआ, कहाँ कटा? मतलब आपको लगता है कि आपने इसकी चर्चा की, और कोई भी हो पूरे 3 वर्षों में एक कोई उदाहरण बता दीजिए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग लिखते जरूर हैं, लेकिन लिखने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि उनको कोर्ट करना चाहिए, लिखना चाहिए, देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी मर्जी से तमाम टिकट दिए और लोगों के टिकट काटे, यहाँ देखिए राम राणा का भी टिकट कट गया, मतलब ये देखिए। नहीं नहीं, देखिए सिर्फ नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है, पूरी स्टेट इलेक्शन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी भी काम करते हैं। नरेंद्र मोदी संगठन के अनुशासन में बधे रहने वाले एक बेजोड़ नेता है। सहयोगियों से आप दबते भी हैं क्या? मैंने कहीं लगा हो तो उदाहरण नहीं, मैं पूछ रही हूँ। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं पावर सेंटर नहीं हूँ, भाई अध्यक्ष है तो आपको आपकी अथॉरिटी तो होगी। अरे कोई चैलेंज करे तब ना, ना चैलेंज ही नहीं किया कि ना, सब सहयोग करते हैं जो कहता हूँ सम्मान भाई। देखिए बात, अरुण जेटली जी ने जैसे चैलेंज किया, उन्होंने ये बात उठाई कि सुधांशु मित्तल को क्यों बनाया, आपसे कहा उन्होंने? तमाम ये तमाम खबरें दूसरी चीज, हमारे यहाँ किसी भी मित्र को पूरा अधिकार प्राप्त है कि वो कोई सुझाव दे सकता है। मैं अध्यक्ष हूं तो बिल्कुल ऑटोक्रेट नहीं हो गया, डिक्टेटर नहीं हो गया, मुझे सुझाव चाहिए मित्रों का। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आपने अभी हंसते हंसते कहा कि आप अध्यक्ष हैं लेकिन पावर सेंटर नहीं, तो ये बताएंगे कि बीजेपी में पावर सेंटर है कौन कौन, किनकी कहने पर बीजेपी चलती है, किनकी कहने पर बातें होती है? हम लोगों के बीजेपी चल रही है तो आदरणीय आडवाणी जी के मार्गदर्शन में पार्टी चल रही है। ठीक है, एक संगठनात्मक व्यवस्था होती है, अध्यक्ष होते हैं, महामंत्री होते हैं, उस संगठनात्मक व्यवस्था बनी है। अध्यक्ष होने के नाते जो भी डिसीजन, कोई मीटिंग होती है, विचार विमर्श होता है, फाइनल जो मैं डिसीजन देता हूं उसको सभी मानते हैं। मतलब अध्यक्ष कोई भी हो लेकिन पीछे से आडवाणी जी ही चलाएंगे? पीछे से नहीं, आगे से। कृष्ण कृष्ण वही है, हम सभी अर्जुन है। आप अर्जुन बन के ही रहना पसंद करेंगे? और क्या, जब हो सकता है कि हम भी कभी कृष्ण बन जाए। इसका मतलब आप प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं? मैं नेता की बात मैंने कहा, प्रधानमंत्री की बात नहीं कहा। मैंने हो सकता है, अनुभव की बात होती है, आदमी धीरे धीरे काम करते 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 तभी वो भी पार्टी का मार्गदर्शक बन जाता है। जैसे पहले अटल जी थे, अब आडवाणी जी हो गए, कल और कोई हो सकता है।